आज हम लेटर राइटिंग कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो पहले आपको मैं इजी टेक्निक सिखाता हूँ जो सबको आ सकती है। क्या करना है, दो पेंसिल लेना है और दो पेंसिल को इस तरह से बांधना है प्रॉपर से, और इसका लेवल सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट, मराठी और इंग्लिश, इसमें पेंसिल दो तरीके से पकड़ते हैं। इस डायरेक्शन में इंग्लिश का फॉन्ट होता है और मराठी का इस दिशा में होता है। तो इसका मतलब है इंग्लिश में हमें पेंसिल ऐसे पकड़नी है और मराठी में अपोजिट डायरेक्शन ऐसे ही पकड़नी है। ऐसे ही पकड़नी है। ये है मराठी के लिए और ये है इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो अभी हम इंग्लिश करते हैं। उसके लिए एक स्केल की ज़रूरत है, और ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो स्मॉल लेटर्स के लिए है। अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन के ऊपर स्मॉल लेटर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए हमें ऐसे यूज़ करनी है पेंसिल। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये हो गया हमारा लिख के। अभी इसको फाइनल कैसे करते हैं, सिर्फ इसको ज्वाइन करना है। अब स्मॉल लेटर कोई भी ये लाइन के ऊपर नहीं गया तो सब एक ही हाइट में दिखते हैं। ऊपर दो लाइन करने से कोई कैपिटल लेटर ये लाइन के ऊपर नहीं गया, कोई कम ज़्यादा नहीं दिख रहा है। दो पेंसिल ज्वाइन करने से सब लेटर की थिकनेस सेम आ गई, कहाँ पे भी कम ज़्यादा नहीं दिख रहा है।
इसको थोड़ा हम स्केल से सही कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अब इसको हम पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कलर करते वक्त ब्रश को पॉइंट होना ज़रूरी है। अगर ब्रश को पॉइंट नहीं है तो आप अच्छे कलर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रश को पॉइंट होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लेटरिंग कर सकते हैं। एकदम इजी मेथड है ये, आप भी ये ट्राई करो। थैंक यू। उसके बाद लेटर को आप नीचे से शेडो दिखा सकते हैं, फिर आप दो साइड से भी शेडो दिखा सकते हैं।